हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल चोपड़ा एजुकेशन और मैं हूं हरसाय चोपड़ा। दोस्तों, कर्नाटका स्टेट के सीईटी 2020 के रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुके हैं। इसमें जिन कैंडिडेट को कर्नाटका स्टेट में वेटनरी यानी बीवीएससी एंड एएच, बीएससी एग्रीकल्चर, बी आर्किटेक्चर, बीई, बीटेक, बी फार्मा, डी फार्मा और योगा कोर्सेज में एडमिशन लेना है, वो keea.kr.nic.in की वेबसाइट पर 2 मार्च 2020 तक रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। मैं आपको यहाँ बता देता हूँ कि जो स्टूडेंट कर्नाटका में एमबीबीएस, बीडीएस और आयुर्वेदा कोर्सेज के लिए एडमिशन लेना चाहते हैं, उनको अभी रजिस्ट्रेशन करने की आवश्यकता नहीं है, चाहे वे कर्नाटका के रहने वाले हैं या फिर अदर स्टेट के। नीट का रिजल्ट आ जाने के बाद एमबीबीएस, बीडीएस और आयुर्वेदा कोर्स में एडमिशन के लिए केई द्वारा रजिस्ट्रेशन ओपन किए जाएंगे, तब आपको रजिस्ट्रेशन करना है। इसके बारे में मैं डिटेल्ड वीडियो में चोपड़ा नीट इन्फॉर्मेशन चैनल पर अपलोड कर चुका हूँ, आप वहाँ से देख लें। अगर आप बी आर्किटेक्चर, बी बीटेक, बीएससी एग्रीकल्चर, बीबीए, एससी एंड एएच, बी फार्मा, डी फार्मा और योगा कोर्स में एडमिशन लेना चाहते हैं तो आपको केई वेबसाइट पर अभी रजिस्ट्रेशन करना होगा। इस वीडियो में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस बताऊंगा कि आपने रजिस्ट्रेशन कैसे करना है। तो सबसे पहले आपको keea.kr.nic.in की वेबसाइट पर विजिट करना है। यहाँ 3 लाइंस पर क्लिक करने के बाद में आपने नीचे नीचे ड्रॉप डाउन में इंग्लिश सेलेक्ट करना है। जैसे ही आप इंग्लिश सेलेक्ट करेंगे, इस प्रकार का इंटरफेस आएगा। सीईटी 2020 ऑनलाइन एप्लीकेशन लिंक पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक करेंगे, इस प्रकार का नोटिफिकेशन आएगा। इसमें टाइम टेबल है, 2 मार्च 2020 तक आप इसमें रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, ये इसकी लास्ट डेट है। इसके बाद में आप इन्फॉर्मेशन बुलेटिन अगर डाउनलोड करना है तो इंग्लिश पर क्लिक करके यहाँ डाउनलोड कर सकते हैं। इसके बाद में नीचे यहाँ न्यू यूजर क्लिक है टू रजिस्टर पर क्लिक करना है। अगर आपने पहले लॉगिन नहीं कर रखा है तो, पहले रजिस्ट्रेशन नहीं कर रखा है तो इस पर क्लिक करना है। अगर आपने पहले रजिस्ट्रेशन कर रखा है तो लॉगिन पर क्लिक करना है। तो पहले मैं न्यू यूजर क्लिक है टू रजिस्टर पर यहाँ क्लिक करता हूँ, तो क्लिक करने पर इस प्रकार का इंटरफेस दिखाई देता है। इस प्रकार की कंडीशनें लिखी हुई होती हैं, डेट, लास्ट डेट वगैरह की डिटेल इसमें लिखी हुई है। उसके बाद में प्रोसीड टू अप्लाई ऑनलाइन पर क्लिक करना है। जैसे ही ऑनलाइन पर क्लिक करना है, इंडियन पर क्लिक करना है। इसके बाद में आगे डिटेल आ जाएगी, आपने 12th के रोल नंबर वगैरह फिल करना है। इसमें अगर एग्जाम दे रखी है, अपेयर है आप 12th में, तो यहाँ नो सेलेक्ट करना है। उसके बाद में आपने सबमिट करना है। तो सबमिट करने के बाद में आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाएगा, और रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाने के बाद में आपने लॉगिन पर क्लिक करके जो आपने यूजर आईडी और पासवर्ड क्रिएट किए हैं, वो यूजर आईडी पासवर्ड यहाँ डालने के बाद में आप सबमिट करेंगे तो आगे एप्लीकेशन ओपन हो जाएगी। इसमें सैंपल एप्लीकेशन दिया हुआ है कि आपने कैसे एप्लीकेशन फिल करनी, कौन कौन सी डिटेल फिल करनी है। तो इसमें होम, हाउ टू अप्लाई, लॉगिन और सैंपल एप्लीकेशन पर क्लिक करना है आपने। सैंपल एप्लीकेशन पर क्लिक करने के बाद में आपको यहाँ 2 ऑप्शन मिलेंगे, एक एप्लीकेशन ब्लैंक का मिलेगा और एक फील्ड एप्लीकेशन का मिलेगा। आपने अगर ब्लैंक एप्लीकेशन देखना है तो ब्लैंक टेम्पलेट पर क्लिक करके आप यहाँ ब्लैंक एप्लीकेशन देख सकते हैं, या फिर किस प्रकार से एप्लीकेशन भरी हुई है ये आप फील्ड एप्लीकेशन पर क्लिक करके आगे देख सकते हैं। जैसे ही फील्ड एप्लीकेशन पर क्लिक करेंगे, ये फिल की हुई सैंपल पेपर आ जाएगा, यहाँ सैंपल एप्लीकेशन आ जाएगी फिल की हुई। आप यहाँ से इसमें देख सकते हैं एप्लीकेशन कैसे फिल की हुई है, कौन कौन सी डिटेल डाली हुई है। तो दोस्तों, ये जानकारी थी सीटी 2020 के रजिस्ट्रेशन के बारे में। आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करें, वीडियो को लाइक व ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। मिलते हैं नई जानकारी के साथ में नए वीडियो में, तब तक लेते हैं आपसे विदा। जय हिंद।